नई चीज़ थी कि खातिन के लिए रोज प्रोग्राम होंगे बल्कि उस वक्त साउथ एशिया में पहला ही चैनल था पी टी का जिसने वो काम शुरू किया था और जो आपकी इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साहब ने मुझे चैलेंज दिया था तो उन्होंने कहा जी करके दिखा दें मैंने कहा जी करके दिखा <laughs> देंगे ये उनकी मेरी गुफ्त इस तरह की हुआ करती थी और तो ये हो ये, भी सच है कि पीटीवी में कोई कोई औरत को किसी प्रोग्राम में थप्पड़ मारते हुए नहीं दिखा सकता ये भी एक डायरेक्टर पास हुआ था और उसके ऊपर जब तक मैं थी डायरेक्टर प्रोग्राम तो जनरल मैनेजर उसके ऊपर कड़ी नज़र थी खुद yes. आपको लगता है कि यस आई हैव अचीव समथिंग आई हैव ये तहरा मजर अली खान मेरी बहुत माँ की जगह है जब मैं उनसे कभी कभी कहती थी आंटी तारा बताएं कुछ फ़र्क पिया यू you नो know, क्योंकि वो तो सैतालीस से कहती हैं ऐसे देखो तो लगता कुछ नहीं लेकिन जब सालों में देखो ना डेकेड्स में देखो तो फिर फ़र्क पड़ा है तो यूँ मैं देखती हूँ कहती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा यार क्या हो रहा है इस तरह से लेकिन अगर अब मैं वैसे मुड़ के देखूँ तो फर्क बहुत पड़ा है औरतों के हवाले से कोई बेहतरी नजर आई है आपको हाँ भी और नहीं भी उसी तरह पिट रही हैं उसी तरह रेप हो रही हैं उसी तरह मारी जा रही हैं उसी तरह ऑनर किलिंग्स हो रही हैं उसी तरह कुत्ते छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर उस तरह जिंदा दफनाई जा रही है तो सबको पता है तो ऐसी कोई बात झूठी नहीं है लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात हुई वो ये हुई है कि हमें पता चल जाता है पता नहीं पिछले सालों में कितना हुआ और हमने देखा नहीं आंखें बंद कर ली या सोचा नहीं या सोचना चाहा नहीं लेकिन अब तो मीडिया झंझोर झंझोड़ को आपको दिखाता है चाहे लड़ाइयाँ हों चाहे गालियाँ निकालें बाहर असेंबली की जो तमाशा सुना परसों हुआ मैंने देखा मेरे एक एक मुझ में खराबी कह लीजिए हालांकि ये मेरे बाप की तरफ से नहीं आई मेरी अपनी है कि जब मैं किसी चीज़ को छोड़ती हूँ तो फिर मुड़ के देखती नहीं हूँ तो मुझे जब कल किसी ने आपने टी वी देखा मैंने कहा नहीं आप टी वी देखती छोड़ दिया हक का दौर हक का दौर जो आपने कहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का मुश्किल तरीन एक दौर था एक हाँ। आपके जज्बे को मेरे ख्याल में हम तमाम औरतों की मैं तो बच्ची थी उस वक्त लेकिन हम सब के जज्बों को दबा, दबा देने का गला दबोच देने का बहुत कोशिश की गई थी हमारे स्पिरिट को दबोच देने का आपकी शख्सियत पर इसका क्या असर पड़ा और उसका सामना आपने कैसे किया उस वक्त का क्या याद कर लेकिन बहरहाल वही बात है कि सीखता है आदमी अब मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं वो हमने ग्यारह साल कैसे कैसे बिता दिया ग्यारह साल बीत गए मतलब सिर पे दुपट्टों के साथ भी बीत गए जुबान पे पाबंदियों के साथ भी बीत गए लोगों को पिटते देखा कोड़े लगते देखा चार दोस्तों चा, सब चादर देखा, और चार दवा सब कुछ देखा दोस्तों ने टीवी छोड़ दिया मैं तो आपने मतलब बहुत सारा कुछ इस तरह हुआ तो देखा लेकिन उससे सीखा क्या उससे सीखा यार यही कि झुकना नहीं है खड़े रहना है और ये मेरी हमेशा से ही मान रहा है कि लड़ाई अंदर से होती बाहर से नहीं होती अच्छा प्राइमरी स्कूल टीचर की अहमियत पे आपने बहुत बात की है और हमें भी वी फील कि अभी तक बहुत तो काम होने स्कूल वाला है। टीचर है किस उस, वक्त एक यूनिसेफ का प्रोजेक्ट हो रहा है जो डायरेक्टर ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ है जिसका थोड़ा सा काम मैं कर रही हूँ उसकी मीडिया स्ट्रैटेजी बनाइए और मुझे यकीन जानो अंदाजा नहीं था नादिया कि लाखों प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं इस वक्त जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है जिनको आगे बढ़ाना है जिसको और फिर आप ये सोचते हैं कि जब तक आप उस बिल्कुल जो आखिरी जैसे कहते हैं ना लेडर रंग ऑफ द लेडर पर नहीं पहुँचेंगे जब तक फिर ऊपर आप बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की आप सब है। कुछ हैं और ये सब कुछ है। लेकिन जब तक वो बच्चा नीचे से सही नहीं उठेगा से ऊपर जा जाना जो है ना हमारा कुछ काम खत्म इनका काम नहीं है सिर्फ यूनिसेफ का काम नहीं है सिर्फ इधारा तालीम आगाही का काम नहीं है ये आपका और मेरा काम भी है कि हम अपनी ये जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं इनकी सूरत हाल गुजरा और इनके उनके इनको पहले तो इनको तरजीह दी जाए सेंस ऑफ प्राइड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर इन दिस और लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं सलीमा हाशमी ओ तिरके अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं आप... तुमने आज बहुत शैतान लड़की बुलाई भी अपने प्रोग्राम पे लड़की। मुझे बताइए कि इन्होंने आपको इन्होंने आपको कितना तंग <laughs> किया है अच्छा किया किया ये मुझे क्या तंग किया सिर्फ दुनिया को तंग किया <laughs> आपने आपने कैसे सामना किया इसका? <laughs> नहीं देखो जो घर में छोटे होते हैं ना उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है क्योंकि हमेशा जो बड़ा भाई या बहन होती है, है ना उसकी मिसाल दी जाती है कि जी देखो ना ये कितना फलाना है ये देखो तुम रिकॉर्ड हो रहा है मुझे चाहिए बहुत ज्यादती होती है और मेरा तो हमेशा अब सोचती हूँ तो दिल खून के आंसुर होता है की मीजू के साथ बहुत ज्यादती थी अच्छा हाँ बिल्कुल क्योंकि देखो ना ये चीज नहायत शैतान और जल्दबाज और, और नेक मतलब जिस कमरे में आ जाती बिल्कुल उसने सर जो है ना उठा तूफान उठा लेना तो जाहिर है कि फिर जो लोग तो मजा लेते हैं इस किस्म की चीज को तो वो तो बहुत इसकी पार्टी के बंदे थे जो लोग जरा खामोश तबाह थे वो चिड़ते थे लेकिन ये जरूर है कि इसने दुनिया को खातिर में नहीं ले लाती ये बिल्कुल वो करती जिसके ख्याल में सही बात और करना भी ऐसा चाहिए Thank बड़ी हूँ छोटा हाँ, भाई है मेरा, हाँ, हाँ. लेकिन इट वॉज ऑलवेज नहीं मेरे साथ कदम रखती थी कमलिंग मेरे साथ ये जरूर हुआ था कि छोटे होने की और फिर हम दोनों फर्क बहुत यानी अगर आप ऐसे देख लें शायद देखने में हम दोनों लेकिन मतलब छीमी और मेरा मतलब ज़मीन आसमान बिल्कुल से भी ज़्यादा फ़र्क है तो वो फिर मेरी माँ मेरे ख्याल में कन्फ्यूज होती है कि इसको पकड़ू उसको पकड़ूँ ये गलत है कि वो गलत है तो यूजली फिर मैं ही गलत हूँ लेकिन आप दोनों के बीच में दोस्ती भी है बहुत बहुत दोस्ती है अपनी जगह हमारी हमारी दोस्ती भी है फासले की वजह से भी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन अब आई थिंक एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर वो दोस्ती ज़्यादा नज़दीक होती है जो अपने जा अपने अपने कामों में कुछ ये बाहर रही मैं ये वो शादी अब मुझे लगता है कि जैसे कुछ वक्त सिमट रहा है ना तो हमें महसूस कल ही इसकी ईमेल आई मैंने कल उसको मैं इसको, मैंने कहा तुम्हारे घर गई तुम नहीं थी मिस्टिव तो कल ही इसकी ईमेल आई वी मस्ट मीट एट लीस्ट तो अब जाहिर अपनी मसरूफियत भी हैं तो वो मेरे ख्याल में एक वो एहसास हो रहा है कि वक्त निकल रहा है अच्छा मीडिया के किरदार के बारे में कुछ बताइए कि आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है मीडिया या ये सवाल मुझे आजादी तो जितनी आज है आजादी जितनी थी पहले नहीं है और ये जो चॉइसेस जितनी थी लेकिन कभी कभी ये होता अच्छा है नादिया ये छोटी सी पाँच दो सेकंड लूंगी रूस गई मैं उस जमाने में जब रूस रूस नहीं था यू एस एस तो हमारे में दोनों जा रहे थे तो उन्होंने कहा यार चीज़ खानी है तो हमने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि सम चीज़ आ जाओ अब दुकान में गए तो एक ही किस्म की सफ़ेद सफ़ेद सी मोटे मोटे से पड़े हुए थे वहाँ चीज़ तो कहने कहा कोई और नहीं है तो मैंने कहा कोई और है। कहती है आपने चीज़ मांगी आपको चीज़ मिल गई अब कोई और से क्या मतलब है ये जो कोई और है ना अच्छा उसके बाद में कहीं अमेरिका के मैंने बेटा मुझे मुझे आई वॉन्ट टू कॉइट समथी अली गल जाए जूस ले मैं वापस आई कहते क्या मैं कहा मैं घबरा गई इतनी चॉइस है वहां पे तो ये चॉइसेस जो होते हैं वो पागल भी करते थे आपको तो पता नहीं है मुझे कभी कभी सोचनी शायद वही ठीक था जो पी की डंडा मारे जा रहा सब सबके चल में ये देखो जबरदस्ती तो और अब इतने चॉइसेस हैं कि आदमी को समझ नहीं आता क्या लेना क्या नहीं लेना चाहिए मजीद और बात करेंगे इस कैफी के बारे में छोटी सी ब्रेक के बाद